So good afternoon, everyone. We are continuing our topic of four system, that is coplanar, non-concurrent parallel and coplanar, non-concurrent, non-parallel. So first we will talk about coplanar, non-concurrent parallel four system. The parallel system of force does not intersect each other. The forces constituting this system must lie in the same plane, should be parallel to each other, do not intersect at common point. तो जैसे कि आपको डेफिनेशन के नाम से पता चल रहा है, सबसे पहले है कोप्लेनर यानी एक ही प्लेन में, नॉन कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पर नहीं होंगी फोर्सेस, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हर एक फोर्स जो है डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। नेक्स्ट आपका है पैरेलल, तो आपको विजिबल है सभी फोर्सेस क्या है, पैरेलल है। तो हमारा कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल सिस्टम में फोर्स ऑफ सिस्टम में क्या होगा, एक ही प्लेन में होंगी फोर्सेस, सभी फोर्सेस पैरेलल होंगी और किसी भी कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि ये फोर्सेस कौन सी है, नॉन कॉन्करेंट। अगर यहाँ पर कॉन्करेंट होता तो एक ही पॉइंट से सभी फोर्सेस निकलते, ठीक है। तो आई होप आपको कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वन है आपका कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो इन दोनों में कंपैरेटिव बस डिफरेंस क्या है, इसमें पैरेलल था, इसमें नॉन पैरेलल था, बाकी सब कुछ सेम है। तो इसमें क्या है, द नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ फोर्सेस व्हिच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट एंड नॉट ऑल पैरेलल, द फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूटिंग द सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग। तो इस सिस्टम में क्या क्या होगा, सबसे पहले है लाई इन द सेम प्लेन, क्योंकि कोप्लेनर है। नेक्स्ट आपको बताया है ऑल द फोर्सेस आर नाइदर पैरेलल टू ईच अदर नॉर इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, दीज फोर्सेस मे नॉट हैव द सेम डायरेक्शन, दिस सिस्टम इज शोन इन फिगर 2.20। तो आपको यहाँ पर इस डायग्राम में विजिबल है, इस डायग्राम में आपको क्या चीज बताई है कि जो आपका फोर्स सिस्टम है वो एक ही प्लेन में है, ठीक है। तो हमारा एक ही प्लेन में सभी फोर्सेज लग रही है, देखो सभी फोर्सेस पैरेलल नहीं है, अगर ये दो फोर्सेस आपको दिखाई हैं तो चल सकता है, पर सभी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया है, नॉन पैरेलल। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपको सिस्टम में बताया है वो सारी कंडीशंस फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ पर सिर्फ ए बी पैरेलल है पर सभी पैरेलल नहीं है, तो ये कौन सा सिस्टम आ गया, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल सिस्टम, ठीक है जी। सभी को क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो नॉन कोप्लेनर सिस्टम में आपको क्या बताया, द नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम इज दैट इन विच ऑल द फोर्सेस मे नॉट लाई इन द सेम प्लेन, द नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। तो कोप्लेनर में एक ही प्लेन में सभी फोर्सेज होती थी, तो नॉन कोप्लेनर में क्या है आपका, एक ही प्लेन में सभी फोर्सेज नहीं होंगी, यानी कुछ आपकी जो होंगी फोर्सेस वो होंगी एक्स वाई डायरेक्शन में, कुछ हो सकती है वाई जेड प्लेन में हो, कुछ हो सकती है जेड या एक्स एक्सिस प्लेन में हो। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज ये आपकी एक बुक है, ठीक है, तो ये बेसिकली कौन सा प्लेन है, ये वाला, ये एक्स प्लेन है। अगर इस बुक को मैं ओपन कर दूं तो कौन सा प्लेन आ गया मेरे पास, वाई प्लेन, ठीक है। तो मेरे पास ये वाला प्लेन है एक्स प्लेन, ये वाला कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन, बट जो ये इस तरफ आपको दिख रहा है ये कौन सा होगा, Z प्लेन। अगर मैं इसको ऐसे आपको दिखाऊं तो बेसिकली कौन कौन से प्लेन है, ये आपका X प्लेन है, ठीक है जी, ये कौन सा प्लेन है, Y प्लेन है, और जो इस तरफ आपकी थिकनेस से आगे जा रही है इस तरफ को, ये कौन सा प्लेन होगा, Z प्लेन होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से कोप्लेनर में आपका क्या होगा, एक ही प्लेन में काम करती है, यानी अगर मैं फोर्सेस की बात करूं तो सिर्फ यहाँ और यहाँ पर एक्ट करेंगी, बट अगर नॉन कोप्लेनर की बात करें तो वो हर जगह एक्ट हो रही है। हर जगह क्या क्या मतलब है कि वो इस प्लेन पर भी एक्ट हो रही है, इस पर भी अप्लाई हो रही है, और अगर मैं इसको इस तरफ कर दूं तो वो इस जेड प्लेन के ऊपर भी अप्लाई हो रही है, ठीक है जी। तो आई होप आपको एक्स वाई जेड प्लेन समझ आ गया होगा। इनकेस कोई डाउट है आपको, आप पूछ सकते हो, या फिर अपने घर पे आप किसी भी दीवार का कॉर्नर देखो तो जिस फ्लोर पे आप खड़े हो वो एक्स प्लेन है, जो ऊपर को दीवार जा रही है। अगर आपके फ्रंट में वो दीवार है तो वो वाई प्लेन है, अगर लेफ्ट साइड में कोई दीवार है तो उसको जेड प्लेन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की। तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम में क्या होगा, जैसे आपको डायग्राम दिखाया है ये फिगर 2.21,
in the system, all the forces consisting the system may not lie in the same plane, but they must intersect at the same point. तो देखो same plane में तो नहीं है forces. आपको देखो सारे direction दिखाए हैं, x direction, y direction and z direction. तो forces इस तरफ भी लगी है, P3, P4 force भी है, P1 भी है और P2 भी है. तो सभी प्लेन में हमने अपनी फोर्सेज यहाँ पर शो की हैं, बट जैसा नाम क्या है, नॉन कोप्लेनर, तो सभी प्लेन में आ गई. उसके बाद कॉन्क्रेंट यानी एक ही पॉइंट, तो एक सेंट्रल पॉइंट से सभी फोर्सेज निकल रही हैं. तो ये सिस्टम आपका कौन सा है, नॉन कोप्लेनर कॉन्क्रेंट फोर्स सिस्टम. ठीक है, आई होप डायग्राम से आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वन इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्क्रेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम. तो यहाँ पर सिस्टम में क्या होगा, पहले तो नॉन कोप्लेनर यानी सभी प्लेन्स में, नॉन कॉन्करेंट यानी जैसे यहाँ पर एक ही पॉइंट से सभी फोर्सेस निकल रही थी, वैसे आपकी एक पॉइंट से नहीं निकलेगी क्योंकि यहाँ पर क्या है, नॉन कॉन्करेंट यानी डिफरेंट आपकी पॉइंट से एक फोर्स यहाँ से जाएगी, किस तरफ से, किसी डायरेक्शन से जा सकती है, बट जो फोर्सेज क्या होंगी वो एक दूसरे से पैरेलल होंगी. तो इसका डायग्राम है फिगर 2.2, तो आपको डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम. देखो एक्स वाई प्लेन में भी है, वाई जेड प्लेन में भी है और जेड एक्स प्लेन में भी है. तो ये फोर्सेस दिखाई है आपको, सभी फोर्सेस देखो पैरेलल है. ठीक है, तो आई होप इस एग्जाम्पल से आपको ये जो बी पार्ट है नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट पैरेलल फोर्स सिस्टम समझ आ गया हो. सभी को क्लियर है यहाँ तक. मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. इनकेस अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप रेज अ हैंड क्लिक कर सकते हो या फिर चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. सो नेक्स्ट वन इज नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. तो यहाँ पर पहले हमने पैरेलल किया था, अब कौन सा आ गया, नॉन पैरेलल आ गया. तो इस सिस्टम में क्या होगा, इन दिस सिस्टम ऑल द फोर्सेज कंसिस्टिंग द सिस्टम एग्जिस्ट एज फॉलोज. तो इस सिस्टम में कैसे हैं फोर्सेज आपकी, All the forces do not lie in one plane. All the forces do not intersect at the same point. All the forces are not parallel to each other. तो देखो इस डायग्राम से आपको इस सिस्टम में क्लैरिटी आ जाएगी. तो बेसिकली हमने हर एक प्लेन में देखो यहाँ फोर्सेज बनाई हुई है और कोई भी फोर्स किसी सिंगल पॉइंट से नहीं जा रही, यानी सभी कौन सी है, नॉन कॉन्करेंट है. और कोई भी फोर्स किसी फोर्स से पैरेलल नहीं है, तो कौन सी है, नॉन पैरेलल है. तो हमारा सिस्टम बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशंस. तो ये कौन सा सिस्टम है, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम. क्लियर है सभी को डायग्राम के साथ, कहीं कोई डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हो. तो हमने फोर्स सिस्टम कंप्लीट कर लिया है. तो फोर्स सिस्टम में आपको दोबारा से एक बार क्विकली रिमाइंड करवा देता हूँ कि क्या क्या डिस्कस किया. तो सबसे पहले हमने पढ़ा फोर्स सिस्टम यानी कलेक्शन ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन अ सिंगल प्लेन और मोर देन वन प्लेन. तो यहाँ पर आपको डायग्राम से भी बताया था जैसे तीन फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, तो ये क्या है आपका फोर्स सिस्टम है, जहां पर दो या दो से ज्यादा फोर्स अप्लाई होती है, या तो एक प्लेन में अप्लाई हो या एक से ज्यादा प्लेन में अप्लाई. नेक्स्ट हमने उसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस की. क्लासिफिकेशन बेसिकली आपकी दो स्टेप्स में डिवाइड की थी, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर, और फर्दर हमने कोप्लेनर को फर्दर डिवाइड कर दिया कॉन्करेंट एंड नॉन कॉन्करेंट. देन फर्दर कॉन्करेंट को कोलिनियर नॉन कोलिनियर में डिवाइड किया था और नॉन कॉन्करेंट को पैरेलल नॉन पैरेलल. और वही हमारा दूसरा पोर्शन था नॉन कोप्लेनर फोर्सेस, उसको हमने डिवाइड किया कॉन्करेंट और नॉन कॉन्करेंट में. देन फर्दर नॉन कॉन्करेंट डिवाइड किया हमने पैरेलल एंड नॉन पैरेलल. उसके बाद हमने इन सभी फोर्सेस का नाम लिखा और वन बाय वन सभी फोर्सेस समझे. ठीक है, तो बेसिकली अगर आपने क्विकली रिव्यू करना है तो कोप्लेनर क्या होता है, जहां पर आपकी फोर्स एक ही प्लेन में लग रही है. नॉन कोप्लेनर क्या होता है, जहां पर एक से ज्यादा प्लेन में फोर्सेस लग रही है, यानी एक्स वाई प्लेन में भी लग रही है, वाई जेड में भी लग रही है, जेड एक्स में भी लग रही है. कॉन्करेंट यानी एक पॉइंट पर लग रही है सभी फोर्सेस. नॉन कॉन्करेंट यानी सभी फोर्सेज अलग अलग पॉइंट पर लग रही है. कोलिनियर का मतलब क्या था, एक ही लाइन में लग रही है सभी फोर्सेस. नॉन कोलिनियर डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में लग रही है, एक ही लाइन एक्शन फॉलो नहीं कर रही. पैरेलल फोर्सेस का क्या मतलब था कि दोनों फोर्सेस बिल्कुल पैरेलल हैं, और अगर नॉन पैरेलल की बात करें तो एक फोर्स ऐसे जा रही है किसी और डायरेक्शन में जा रही है, यानी पैरेलल नहीं. ठीक है,
तो आई होप फोर्स सिस्टम आप सभी को क्लियर हो गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी और सी पॉइंट ऑफ व्यू में, सेक्शन सी में 10 मार्क्स में भी आता है। तो आपने इन सभी फोर्सेस को नाम याद रखना है और ऐसे आप डायग्राम से इनको समझा सकते हो, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको अच्छे से याद कर, ठीक है जी। तो आई होप आप सभी को फोर्स सिस्टम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस होता क्या है, ठीक है। तो जैसे आपको बताया है, इट स्टेट्स दैट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज ट्रांसमिटेड टू एनी अदर पॉइंट अलॉन्ग इट्स लाइन ऑफ एक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या है, कि अगर आपका सिस्टम किसी कंडीशन में है, या अगर मैं एग्जांपल दूं कि किसी भी बॉडी का इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब आपकी बॉडी बिल्कुल स्टेबल है, उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लग रही, ठीक है। अगर लग भी रही है, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, सपोज मेरे पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर मैंने यहां से भी फोर्स अप्लाई कर दी और यहां से भी फोर्स अप्लाई कर दी। जब मैंने दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई कर दी, अगर दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो क्या होगा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। और अगर एक तरफ से फोर्स अप्लाई की है, एक तरफ से कोई फोर्स नहीं है, तो ये स्टेबल नहीं है, इक्विलिब्रियम में नहीं, ठीक है जी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब सभी को समझ आ गया। बेसिकली इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी बैलेंस्ड पोजीशन में है, उसके ऊपर कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं लग रहे, क्लियर है सभी को। तो आगे डिस्कस करते हैं, इट स्टेट्स द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज ट्रांसमिटेड टू एट एनी अदर पॉइंट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन। तो इस डायग्राम में आपको क्या बताया है कि जो बी पॉइंट से आपकी एफ फोर्स लग रही है, उसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है, डॉटेड लाइन से ए भी दिखाया होगा। अब मैं इस बी पॉइंट वाली फोर्स को कहीं पर भी लगा सकता हूं इसी लाइन में, बस मुझे एरो उसी तरफ रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है, ठीक है। तो जो ये एफ फोर्स इस बॉडी के ऊपर इंपैक्ट कर रही थी, वही इंपैक्ट फोर्स वो भी करेगी। तो मैंने क्या किया, इस फोर्स को यहां से हटाकर ए पॉइंट पर लगा दिया। बट देखो लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल सेम है, डॉटेड लाइन वही दिखाई है आपको ए से बी तक, उसी लाइन में फोर्स लग रही है, डायरेक्शन भी बिल्कुल सेम है, बस मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, बी से हटाकर ए पर लगा दिया, बट लग उसी जगह पर रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कहता है कि आप किसी भी फोर्स को अगर वो सेम लाइन में कहीं पर भी लग जाए, किसी भी पॉइंट पे, बस डायरेक्शन सेम रहे, तो जो वो फोर्स यहां पर काम कर रही है, वही काम वो यहां पर करेगी, ठीक है जी। तो आप दोबारा से स्टेटमेंट पढ़ सकते हो, स्टेटमेंट में आपको क्या बोला था, इट स्टेट्स दैट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज ट्रांसमिटेड टू एक्ट एनी अदर पॉइंट अलोंग इट्स लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। तो क्या बोला उन्होंने कि जो भी बॉडी आपके इक्विलिब्रियम में है या मोशन में है, उसके ऊपर जो इफेक्ट है फोर्स का, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, चाहे उस बॉडी की फोर्स को आप ट्रांसमिट करके उसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी अप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने इस चीज को डायग्राम के साथ समझ लिया। डायग्राम में जैसे हमको क्या बताया उन्होंने, ये हमारी बॉडी है जिसके ऊपर बी पॉइंट से एफ फोर्स लग रही है, तो लाइन ऑफ एक्शन आपको डॉटेड लाइन से दिखाया होगा। अगर मैं इस बी पॉइंट पर जो एफ फोर्स लग रही है, इसको इसी लाइन में कहीं पर भी लगा दूं, तो मैंने क्या किया, ए पॉइंट पर लगा दिया। तो ये नेक्स्ट डायग्राम आपको यहां पर दिखाया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आपकी जो फोर्स लग रही थी उसकी डायरेक्शन को वहीं पर रखा, बस उसके लाइन ऑफ एक्शन को बी पॉइंट से हटाकर कहां पर दिखा दिया, बी की जगह से मैंने ए पर लगा दिया, ठीक है। देखो डायरेक्शन ऑफ फोर्स बिल्कुल वही है, लाइन ऑफ एक्शन भी वही है, तो जो काम ये एफ फोर्स इस बॉडी पर कर रही थी,
वही काम ये फोर्स यहाँ पर लगने पर भी सेम ही करेगी। तो ये आपका है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है तो बेटा पूछ सकते हो आप, और आपको एग्जाम्पल भी दिया है। और कंसिडर अ बार ए बी विच इज एक्टेड अपॉन बाई टू इक्वल एंड ऑपोजिट कोलिनियर फोर्सेज पी वन एंड पी टू। तो हमने क्या अज्यूम किया, हमारे पास एक बार है ए बी जिसके ऊपर दो फोर्सेज लग रही है पी वन और पी टू। तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है, पुल फोर्स। अब जब मैं इस फोर्स को अगर किसी और तरीके से बनाऊं, जैसे यहाँ पर क्या बताया है इन्होंने, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी द फोर्स पी वन एक्टिंग एट पॉइंट ए कैन बी ट्रांसमिटेड टू एक्ट एट पॉइंट बी। तो मैंने क्या किया, जो आपकी फोर्स पी वन लग रही थी, ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन तो वही है इसके, तो मैंने फोर्स पी वन को क्या किया, ट्रांसमिट करके कहां पर लगा दिया, पॉइंट बी के पास लगा दिया। एंड फोर्स पी टू, पी टू को क्या किया, कहां पर लग रही थी, एक्टिंग एट पॉइंट बी कैन बी ट्रांसमिटेड टू एक्ट एट ए, उसको मैंने ए पर लगा दिया। तो देखो आप ध्यान से देखो, अगर आपको डायग्राम विजिबल है तो ये पी वन फोर्स कहां पर लग रही थी, ए पर। डायरेक्शन कौन सा था, लेफ्ट साइड में एरो है, मैंने इसको यहां से हटाकर बी पर लगा दिया। देखो दिख रहा है बी पर एरो, देखो बिल्कुल सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है जी। सिमिलरली मैंने P2 पर लगा, ये जो P2 है B पॉइंट पर लगाई थी, राइट डायरेक्शन है, मैंने P2 को B पॉइंट से हटाकर कहां पर लगा दिया, A पॉइंट पर लगा दिया। देखो डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो दिस न्यू सिस्टम ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बार इज ऑब्टेन्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पर सिर्फ हमने फोर्स की पोजिशन चेंज की है, बॉडी अगर रेस्ट पोजिशन में है तो वो रेस्ट में ही है, हमने जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है वो चेंज नहीं करनी। बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरनल फोर्सेस द स्टेट ऑफ पुल टेंशन हैड बी चेंज्ड टू द स्टेट ऑफ पुश कंप्रेशन, दैट इज द टेंडेंसी ऑफ एलोंगेशन ऑफ बार हैज बीन चेंज्ड टू दैट ऑफ द शॉर्टनिंग ऑफ द बार। इट इज देयरफॉर क्लियर दैट प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कैन बी यूज्ड टू डिस्कस द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और मोशन ऑफ रिजिड बॉडी and to determine the external forces acting on the rigid body, but it should not be used to determine the internal forces and deformation of the body. So, यहाँ पर इस paragraph में आपको क्या बताया उन्होंने कि अगर मैं बात करूँ कि मैंने P1 force को A point से कहाँ पर लगा दिया, B पर लगा दिया, और B point पर लग रही थी P2, उसको मैंने लगा दिया A point पर P2 force को। तो अगर हम principle of transmissibility की बात करें तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है, जो हमारा प्रिंसिपल कहता है हमने वही किया है, ठीक है। हमने क्या किया, फोर्सेस को ट्रांसमिट कर दिया। बट अगर मैं बात करूं किस बात की, अगर मैं इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करूं, तो जैसे हमने शियर स्ट्रेस पढ़ा था, टेंसाइल स्ट्रेस पढ़ा था, कंप्रेसिव स्ट्रेस पढ़ा था, अगर उस पॉइंट से बात करूं तो यहां पर क्या होगी, आपकी जो बार है उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और इस केस में क्या होगी, आपकी बार की जो लेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर उन्होंने यही बात बताई है कि इट इज क्लियर कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी है वो कहाँ पर यूज कर सकते हैं, जहां पर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं या मोशन की बात कर रहे हैं किसी बॉडी की, जहां पर सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है। बट अगर आप सोचो कि मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लाई करके इंटरनल स्ट्रेसेस की बात करूं तो वो पॉसिबल नहीं। इसलिए लास्ट में आपको लिखा है बट इट शुड नॉट बी यूज टू डिटरमाइन द इंटरनल फोर्सेस एंड डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडी। तो हमने सिर्फ वहां तक ही उसको कंसिडर करना है, उसके आगे नहीं लेके जाना कि बॉडी कंप्रेस हो रही है या वो हो रही है। हम सिर्फ लॉ ऑफ प्रिंसिपल जो आपका है ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, इसको सिर्फ हम एक्सटर्नल फोर्सेस के तौर पर ही कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्विकली हम इसको ओवरव्यू देख लेते हैं कि आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी में क्या बताया गया। तो इसमें आपको बेसिकली ये बताया है कि अगर कोई बॉडी है, मैं आपको डायग्राम से भी समझा देता हूं ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। मैंने एक बॉडी बना दी, ठीक है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगा दी, ठीक है जी। इसके ऊपर मैंने पॉइंट्स भी लिख दिए कि मेरे पास एक ए पॉइंट है और दूसरा मेरे पास बी पॉइंट। अब एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि सपोज मैंने एक फोर्स अप्लाई की जो कहां से लग रही है,
ठीक है, एक मेरे पास ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। अब मैंने क्या किया, बी पॉइंट से मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। तो ये मेरा बी पॉइंट है, मैंने यहां से एक फोर्स अप्लाई कर दी। अब इस बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इस फोर्स का, ठीक है। सपोज मैंने बी फोर्स, बी पॉइंट से मैंने फोर्स अप्लाई कर दी, कितनी फोर्स अप्लाई करी मैंने यहां पर, फोर्स अप्लाई कर दी 50 न्यूटन, ठीक है। सपोज जब मैंने 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो क्या हुआ, ये बॉडी क्या होगी, उस तरफ मूव होनी शुरू होगी, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि इस पॉइंट से मैंने पहले क्या लगाई थी, बी पॉइंट पर लगाई थी, बट अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, अगर इस प्रिंसिपल को मैं यहां पर अप्लाई करूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी इस बी पॉइंट पर जो फोर्स लग रही है इसको यहां से हटाकर क्या कर सकता हूं, मैं किसी और जगह भी अप्लाई कर सकता हूं और उस फोर्स का सेम इंपैक्ट रहेगा जो अभी इस फोर्स का है, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूं सेम डायग्राम दोबारा से, ताकि आप दोनों को समझ सको। तो मैंने यहां पर सेम वही चीज दोबारा से बना दी, मैंने लेबलिंग भी कर दी कि मेरे पास दो चीजें थी, ए और बी। तो अब मैं नेक्स्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो कहां से अप्लाई करूंगा, पहले मैंने बी पॉइंट से फोर्स अप्लाई की थी 50 न्यूटन, बट अब मैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को जब यहां पर अप्लाई करूंगा तो मैं क्या करूंगा, ए पॉइंट पर फोर्स अप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। और फोर्स भी सेम अप्लाई कर रहा हूं मैं, कितनी अप्लाई की थी फोर्स, 50 न्यूटन, तो मैंने यहां पर भी 50 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है कि आप किसी भी फोर्स को सेम लाइन ऑफ एक्शन में एक पॉइंट से हटाकर दूसरे पॉइंट पर लगा सकते हो। जो फोर्स वो पहले काम कर रही थी बी पॉइंट पर, वही फोर्स जब ए पॉइंट पर काम करेगी सेम वही वर्क करेगी, ठीक है। तो उसका एक्शन चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैंने आपको बोला था कि मैंने इस बॉडी पर बी पॉइंट पर फोर्स लगाई 50 न्यूटन, और मैंने आपको बोला कि जब मैंने 50 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करनी शुरू हो गई, ठीक है। जब मैंने बी पॉइंट पर 50 न्यूटन फोर्स लगाई तो ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होने लग गई। और जब मैंने प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लाई किया तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहता है कि मैं इस फोर्स को इसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी लगा सकता हूं, बस सेम डायरेक्शन में, और फोर्स की वैल्यू भी चेंज नहीं करनी। तो मैंने क्या किया, बी पॉइंट वाली फोर्स को कहां पर लगा दिया, ए पॉइंट पर लगा दिया, फोर्स भी सेम है। तो जब मैं यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी मूव करनी शुरू हो जाएगी, जैसे यहां पर मूव कर रही थी, ठीक है। तो सब कुछ सेम है, एप्लीकेशन जो फोर्स की वहां पर थी वहां पर भी बॉडी मूव कर रही थी, यहां पर ही मूव कर रही है, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी यही कहता है कि आप उस फोर्स को उसी लाइन में, लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी लगा सकते हो और वो काम वही करेगी जो पहले कर रही। तो क्लियर है सभी को, कोई डाउट है बेटा आपको तो आप पूछ सकते हो। तो मैंने स्पेशली आपके डायग्राम बनाया है ताकि आप समझ सको। तो हमने क्या किया, एक बॉडी ली जिसके ऊपर दो पॉइंट रख दिए ए बी, मैंने बी पॉइंट पर 50 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस हम इस 50 न्यूटन वाली फोर्स को इसी लाइन ऑफ एक्शन में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जो काम ये यहां पर कर रही है, जैसे यहां पर ये कर रही है, बॉडी को मूव कर रही है, तो मैंने इस फोर्स को यहां से हटाकर ए पॉइंट पर लगा दिया, तो जब ए पॉइंट पर ये फोर्स लगेगी तो भी बॉडी आपकी क्या करेगी, मूव करेगी। तो सेम एप्लीकेशन जो यहां थी वही एप्लीकेशन यहां पर है, बस सेम लाइन में लगा सकते हो आप, किसी और डायरेक्शन में लगा सकते हो। अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो फिर तो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस समझ आ गया होगा सभी को। कोई डाउट है बेटा यहां तक आपको, आप समझ सकते हो मेरे से दोबारा से। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट इन चैट बॉक्स और इवन यू कैन सेलेक्ट द बटन ऑफ रेज अ हैंड, आई विल अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। सो नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी if added or subtracted from them another system of forces which is also in equilibrium. Law of superposition क्या कहता है कि अगर आप किसी भी system में
कोई सिस्टम ऑफ फोर्सेस को किसी दूसरी सिस्टम ऑफ फोर्सेस के साथ अगर माइनस करते हो तो उस बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब क्या है, हम एग्जांपल देखते हैं और फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो एग्जांपल में आपको क्या बताया है, लेट अस कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑन विच अ फोर्स एफ इज अप्लाइड एट क्यू। तो ये आपको डायग्राम दिख रहा है ए पार्ट का, यहाँ पर हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जहां पर मैंने क्यू के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद पी क्यू क्या है, एंड पी क्यू बी द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्सेस। तो लाइन ऑफ एक्शन यही होगा, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन सभी को पता है क्या होता है, जिस लाइन में फोर्स अप्लाई हो रही है। तो मेरे पास एक रिजिड बॉडी है पी क्यू जिसके ऊपर क्यू पर मैंने एफ फोर्स अप्लाई कर दी, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सुपरपोजिशन इफ टू फोर्सेस कौन कौन सी एफ वन एंड एफ टू इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स एफ आर अप्लाइड एट पॉइंट पी, तो ये जो F1 F2 फोर्स है ये क्या है, किसके इक्वल है, F फोर्स के इक्वल है, ठीक है। यानी अगर मेरे पास F की वैल्यू है 100 न्यूटन तो ये F1 F2 दोनों भी क्या है 100 न्यूटन, ठीक है। तो हमने क्या किया, F1 एंड F2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स F आर अप्लाइड एट पॉइंट P, हमने P पॉइंट पर दोनों तरफ 100 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर दी सेम लाइन ऑफ एक्शन। The direction of F1 and F2 being opposite to each other, there will be no effect on the action of the force F due to force F1 and F2 which are in equilibrium. तो यहाँ पर क्या बताया उन्होंने कि हमने क्या किया, इस rigid body में P force पर दो forces लगा दी, इस तरफ भी 100 और दूसरी तरफ भी 100. तो वो क्या कह रहे हैं कि जो दोनों forces हैं एक दूसरे के बराबर हैं, same magnitude है दोनों का, तो इन दोनों forces का इस F force के ऊपर कोई effect नहीं पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो मैं आपको दोबारा से सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं, हमारे पास एक बॉडी है PQ, उस PQ बॉडी पर मैंने Q पर फोर्स लगा दी 100 न्यूटन। अब आप सपोज करो कि जब मैंने 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई की तो ये बॉडी मूव करनी शुरू हो गई, तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि अगर इसी बॉडी के ऊपर यानी सेम बॉडी के ऊपर इसी बॉडी के ऊपर अगर मैं किसी और पॉइंट पर यानी मैंने पी पॉइंट पर क्या किया, मैंने दो फोर्सेस लगा दी, ठीक है। तो जैसे आपको डायग्राम विजिबल है, मैंने क्या किया, दो फोर्सेस लगा दी, एक इस तरफ लगा दी और एक इस तरफ लगा दी, ठीक है। तो जब मैंने फोर्स लगा दी, ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है, इक्विलिब्रियम में है ये फोर्सेस, यानी इस तरफ भी 100 न्यूटन है, इस तरफ भी 100 न्यूटन है। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जब मैंने ये सिस्टम ऑफ फोर्स यहां पर अप्लाई कर दिया तो इस सिस्टम ऑफ फोर्स का इस एफ फोर्स के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये जो मैंने फोर्स यहां पर अप्लाई की है, ये एफ वन एंड एफ टू, ये दोनों कितनी है, जितनी है एफ है, तो मैंने बोला कि एफ 100 है, तो ये दोनों भी 100 100 है। तो ये जो फोर्स ऑफ सिस्टम है ये क्या है, बैलेंस्ड है। जब फोर्स बैलेंस्ड है तो उसको भी इफेक्ट तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस फोर्स ऑफ सिस्टम का इस एफ फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी मेरी जो बॉडी थी वो क्या हो रही थी, वो इस डायरेक्शन में जा रही थी जिस तरफ एफ लग रहा है, तो वो उसी डायरेक्शन में जाती जाएगी क्योंकि जो फोर्सेस हमने लगाई वो इक्विलिब्रियम में थी, बैलेंस थी, तो उनका इस एफ फोर्स के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर है सभी को, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द एक्शन ऑफ अ गिवन सिस्टम ऑफ फोर्सेस acting on rigid body if added or subtracted from them another system of forces which is also in equilibrium. तो क्या बोला इस law ने कि इस body के ऊपर ये force लग रही थी, इस force के ऊपर इस जो दो forces को हमने add किया है इसके ऊपर कोई effect नहीं पड़ेगा, ये जो force जो काम कर रही है वो करती जाएगी क्योंकि ये दोनों forces equilibrium में है, तो इस force को कोई भी problem नहीं होगी, ये जो force of system आपका ये वाला है ये कंटिन्यू अपना वर्क करता जाएगा और इस फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं होगा। सो आई होप आपको लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्लियर हो गया होगा, इन केस अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो हम दोबारा से कंसिडर कर लेंगे।